तन तन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदा, तन तन सतगुरु सेवा राम साहेब, तन तन साहिब संत माता जी आप जी नू कोट कोट नमस्कार। तुझे आगे अरदास मारी जो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। आदिं काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु मदास रामदास हो अजन हर गोविंद सिमरों श्री आए, श्री आचरण ते आइए जिद छे सतुख जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए कानों ने दावे ताए, दसम पातशाह श्री गोविंद सिंह जी महाराज सब छाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए जिन्हें धर्म का मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी जिन्हें नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी जिन जम तो या चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी जिन चरणी या लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी जो अंग संग होए साहे। निमाणिया दे मान सतगुरु, नीताणिया दे तान सतगुरु, नियो जहान दियो दुनिया सिंह के आसरा, निलज्ञा दी लज निपत्या दी पत, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी आप दी अजूरी संगता कतर होके आप दे चरण कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर रही हैं। पातशाह कीता लूड़िए कम सुहर प्या किए, कारे जे सुहा सतगुर सचता किए, संता संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए, नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे मां वाक अनुसार आप जी जी ओट आसरा लैक, आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध वाणी पढ़न का बल बख्शना, जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे ये आप जा संगतां दे हिरदे च वरसाउणे, बख्शे ते रहमतां करनियां पातशाह, आपणियां संगतां नूं आप उदम उचा बख्श के आपणे दस दरबार दी हाजरियां बख्शणियां पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विछाणी, ना भुली ते ना भुलावी, जनां दा प्यार बख्शणा, अमृत वेल का जागरण बख्शना, इशनान का दान बख्शना, दोनों कदम चने बख्शना, स्वास स्वास भजन करने की ताकत बख्शी, आपने सूह साहब के रचन सचखंड दरबार दियाँ हाजरियाँ बख्शियाँ, बख्शे ते रहमत करनियाँ सर्वत संगत दे पातशाह जी, अरदास बेनती है पातशाह तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर सदा सदा तू त्याई बख्शिश करें। आप जी के हुक्म अनुसार चार पैर सुखली उचित हुई है, दिन चलिया पातशाह जी आप जी का कोट कोट शुकराना, अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी बाकी दस दिन सुखदा बतावना, सही सजन मेलना जिन्ना मेरिया उच्चा सुचा नाम चेता हो, श्री गुरु नानक नाम चल जी कला तेरे पानी सरबत का पला। तारे जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया,
ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਾ ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ
जिनी तुरनो तन कहा तिन जम निरनाया तार्य जहान दयाभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन के तिन जम आया तार्य जहान दयाभिमान जिनी दर्शन पाया मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निर्भोते निर्वैर है मेरे सतगुरु सेवा राम जी सतगुरु सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाये सतगुरु सेवा है कमाल सारे अनु इकट्ठा करके रखिया है समाल नाम जपने नाम जपांदे ए नादा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जान चरना तो बलिहार शेवे चरना तो बलिहार साहिब संत माता जी ने चरना तो बलिहार साहेब आपकी सदा ही जय धन धन साहिब संत माता जी आप जी नु दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरख दोलन तेरा ओ प्रभु नायक देकर ओ वैसिमत कसम ही नुर अरसों पुरसों चकिये खुद बिठे सच्चे पातशाह जन्म जन्म दी कठी सच के माया क्यों बिलो बोलो हटिए खुद बिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कठी खुद बिठे सच्चे पातशाह कटिए एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन सिर सतगुरु बालक सिंह साहेब सचे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु संता साहेब सचे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहेब सचे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सचे जी साखी माई शंकरी नो सतगुरु भगवान दास जी तो बख्शिश दवाण दी भाई रामचंद डंग मनेरी वाले दे
दो पुत्र सन, बड़े दा नाम तेजा राम अते छोटे दा नाम काशी राम सी। रामचंद अते उसकी पत्नी शंकरी अपने छोटे पुत्र काशी राम नू बहुत प्यार करते सन, अते बड़े पुत्र तेजा राम अते बड़े पुत्र तेजा राम नाल खपदे खिचदे रहिंदे सन। रामचंद ने मरण तो पहला मकान अते दोवें दुकाना ते होर सब कुछ काशी राम दे ना कर दिता अते तेजा राम नूं कुछ भी ना दिता। अजिही हालत विच तेजा राम नूं किराए दे मकान विच रहना पिया। कुल्फी वेच के वो करदा गुजारा तंगी तुरसी नाल करदा सी, पर नाम दा रसिया होण करके वो सबर संतोख नाल जीवन गुजारदा सी, कोई औंकड़ महसूस नहीं सी करदा अते सदा नाम विच लीन रहिंदा सी ते सदा खिड़िया रहिंदा सी। एक बार श्री सतगुरु भगवान दास जी संगतां नूं दर्शन देण लई पिंड मनेरी गए। कथा ते कीर्तन दे भोग तों बाद माई सुदी, माई त्रोपती अते माई गुरी आदि ने साहिबां नूं बेनती कीती, साहिब जीओ तेजा राम दा वी कुछ करो। साहिबां ने माई शंकरी नूं अपने कोल बुला के आख्या, शंकरीए एक दुकान तेजा राम नूं भी दे दे, वो भी आराम नाल अपना निर्वाह कर लेगा। पर माई शंकरी ने सतगुरां दे हुक्म नूं सुन के भी ना कर दिती अते कहा, मैं तेजा राम नूं कख भी नहीं देंगी, ये दुकान तुसां सानू देनी है, चाहे मैं करां जां तेजा राम नूं दियां। साहिबा ने फरमाया, ये दुकान तुसां सानू देनी है, चाहे मैं करां जां तेजा राम नूं दियां। साहिबा ने फरमाया, माई शंकरी ने फिर भी ना कर दिती अते मथा टेक कर घर चली गई। तां काशी राम भी आके मथा टेक के बह गया। कथा ते भोग तों बाद काशी राम सतगुरां दे नेड़े आ बैठा अते रोवण लगा। तां सच्चे पातशाह ने फरमाया, काशी राम रोण दी कोई लोड़ नहीं, सानू सब पता है। गुरुद्वारे भोग पैण तों बाद सतगुरु जी तेजा राम दे घर जा विराजे। कुछ देर बाद माई शंकरी भी आई अते मथा टेकन लगी। तां सतगुरां ने कहा, चंडालणे साडे मथे ना लग। ये बचन सुन के माई शंकरी डर गई, तां उस साहिबां दे चरणा ते अपना सिर रख के रुदन करन लगी अते हाथ जोड़ के गल विच पल्ला पा के अरज कीती, सच्चे पातशाह जीओ मेरी भुल बख्श दिओ जी, जिस तरह का हुक्म होवेगा मैं सिर मथे ते रखांगी। पर चंडालन दे जन्म तो बचाण दी कृपा करो जी।
सतगुरु जी उस दी ये अरज सुन के चुप रहे, पर तेजा राम ने सतगुरां दे चरणा विच बेनती की थी, सतगुरु जीओ ये मेरी माँ है, इसनों बख्श दे ओ जी, जीव पुलनहार है, आप बख्शिंद हो। तेजा राम दी ये बेनती सुन के सतगुरां ने फुरमाया, वाह तेजिया, तू बहुत वड्डे दिल वाला है, तेरी इस माँ ने तेरे नाल की सलूक कीता है, पर फिर भी तू इसनों बख्शवा रहा है। फिर सतगुरां ने माई शंकरी नू आख्या, जा माई, सतगुर संगता जी भली करनगे। माई शंकरी रात नू जद सुती तां सुतियां सुतियां एक नज़ारा तकिया कि उसका जन्म एक चंडाल दे कर होया है। उस घर विच पल के वो जवान हुई है, उसकी शादी हुई है, वो बाल बच्चिया की माता बनी है, अते फिर उसने अपनी मृत्यु होंदी वेखी, अते उसने अपने मृत्यु होंदिया वेखी, फिर उसकी जाग खुल गई, अते उस धन सतगुरु धन सतगुरु कीता। उसने जानिया कि सतगुरां उसकी अरज मन ली है, उन्होंने अपना बचन एक ही रात विच मेरे तो पूरा करवा के मैनू बख्श दिता है। उन्होंने अपना बचन एक ही रात विच मेरे तो पूरा करवा के मैनू बख्श दिता है। फिर उसने उठ के इशनान कीता अते सतगुरां दे चरणा ते चरणा विच जा हाजर होई। ता सतगुरां ने माई शंकरी तो पुछया, सुना शंकरीए, राती की वेखे आई? शंकरी ने बेनती की थी, सच्चे पातशाह जीओ, तुसा अपनी बख्शिश नाल एक रात विच ही चंडाल दी जून भुगता दिती है। ये सुन के सतगुरां ने फुरमाया, ये सब कुछ तेरे सपुत्र तेजा राम दे कारण होया है, इसे ने तैनू बख्शवाया है। माई शंकरी ने फिर सतगुरां दे चरणा ते मत्था टेकिया अते अपने घर चली गई। इस तों बाद तेजा राम नाल भी ओ प्यार करन लगी। फिर उसने उठ के इशनान कीता अते सतगुरां दे चरणा विच जा हाजर होई। तां सतगुरां ने माई शंकरी तों पुछया, सुना शंकरीए, राती की वेखी आई? शंकरी ने बेनती की थी, सच्चे पातशाह जीओ, तुसा अपनी बख्शिश नाल एक रात विच ही चंडाल दी जून भुगता दिती है। ये सुन के सतगुरां ने फुरमाया, ये सब कुछ तेरे सपुत्र तेजा राम दे कारण होया है, इसे ने तैनू बख्शवाया है। माई शंकरी ने फिर सतगुरां दे चरणा ते मत्था टेकिया अते अपने घर चली गई। इस तों बाद तेजा राम भी इस तों बाद तेजा राम नाल भी ओ प्यार करन लगी। साखी पूरी हुई एक ओंकार सतगुर प्रसाद,
ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੈਸ ਨਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ 'ਤੇ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪੁੱਛਣਾ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਨਾਇਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਟਕ ਤੋਂ ਮੈਂ 20 ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਵਾਈ ਤੋਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 19 ਜੀਪਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਜੀਪ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸਾਂ ਡਿਪੋ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ, ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਪ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਦੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੋ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੋ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਅਟਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਡਿਪੋ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਔਂਕੜ ਸੁਣ ਕੇ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਟਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਿਪੋ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਡਿਪੋ ਤੋਂ
हो के चला भी गया है अते पूरियां जीपां उत्थे पहुँच चुकियां हन। ये सुन के सरदूल सिंह खुश हो गया अते उसने अगाहां वध के चरणा ते मत्था टेकिया। ता सतगुरां ने हुक्म किया, सरदार जी गुरबाणी दा पाठ ते नाम सिमरन किया करो जी। बहुत अच्छा। फिर सत्कार वजों दोवें हाथ जोड़े अते आग्या लैके वो जीप ते जा बैठा। जदों डिपो पहुँचया तो दूजे सिपाहियों ने उसनों दसिया कि कैप्टन साहेब जीपां दी जांच करके चले गए हैं अते सारियां जीपां डिपो पुज गई हैं। ये सारी गल सुन के लैस नायक सरदूल सिंह डिपो तो मुड़ के धन्यवाद करन लई श्री सतगुरु भगवान दास जी दे चरणा विच हाजिर होया। पूरी श्रद्धा नाल ते सत्कार नाल चरणा ते मत्था टेकिया अते हाथ जोड़ के बेनती कीती, मैनू ओ शब्द नहीं मिलदे जिन्हां राही मैं आप जी दी मेहर ते बख्शिश दा धन्यवाद करां। आप जी दा फुरमाया एक एक अखर सच्चा सिद्ध होया है। कैप्टन साहेब जीपां दी जांच करके मेरे जान तो पहले ही चला गया सी अते कोई जीप घट नहीं सी जिवें कि मेरा संसा सी। सरदार सरदूल सिंह ने फिर दोवें हाथ जोड़ के मत्था टेकिया। मत्था टेकदिया होया बेनती कीती, महापुरशो आप अंतरजामी हो, हुण असा अगे जाना है, साढ़े ते कृपा करो ते साढ़े लई अरदास करो कि असे सुख ते शांति नाल जाइए अते वापस मुड़िए। श्री सतगुरां उसनों गुरु राखा किया। सरदूल सिंह ने श्री सतगुरु जी दे चरणा ते मत्था टेकिया अते आग्या प्राप्त करके उत्थों चला गया। जदों डिपो पहुँचा तो साथियों ने उसों पूछया, तुसी किथे गए सो अते इतनी छेती किवें मोड़ आए हो। सरदूल सिंह ने श्री सतगुरु जी दे बचना दी सारी गल उन्हां नूं दस के किया, महापुरशां दा धन्यवाद करन मैं उन्हां दी हजूरी विच हाजर होया सां, जल्दी अगाह चलना है इस लई उन्हां तों असीस लै के वापस तुहाडे पास आ गया हाँ। सरदूल सिंह दे साथियों ने जिद करके उसनों फिर सतगुरां दे दर्शन करन लई अगे ला लिया। सरदूल सिंह दे साथियों ने जिद करके उसनों फिर सतगुरां दे दर्शन करन लई अगे ला लिया। सारिया नालों फिर सतगुरां दे दरबार विच हाजिर होया। सारिया ने सतगुरां दे चरणा ते मत्था टेकिया अते उना पास असीस देण दी बेनती कीती। सतगुरां ने सतगुरु नानक देव जी दे चरणा विच हाथ जोड़ के उन्हां नूं असीस दित्ती। तुहाडे सारिआं दा सतगुरु राखा है। फिर वो सारे आग्या लै के अपने अगले सफर ते जाण लई डिपो चले गए। परमात्मा दे हुक्म अनुसार जदों श्री सतगुरु भगवान दास जी दी शव यात्रा जा रही सी
ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਆ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਥਰੂ ਫਰਨ ਫਰਨ ਵਹਿ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੀ ਪੇਟਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਸਾਖੀ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿਹਾ ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿਹਾ ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਏਕਿਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਖੀ ਮਾਈ ਸੁਦੀ ਦੀ ਐਨਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਾਈ ਸੁਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦ ਵੀ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਐਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਦੌੜੀ ਪਰ ਗੱਡੀ ਟੁਰ ਪਈ ਸੀ ਮਾਈ ਸੁਦੀ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਐਨਕ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਮਾਈ ਸੁਦੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਦੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ
माई सूदी ने हाथ जोड़ के अरज की थी, सच्चे पातशाह जीओ, मैं अपनी ऐनक गड्डी विच भूल आई हाँ, मैं ऐनक बिना कोई काम नहीं कर सकती, इस वास्ते मैनू चिंता लगी है। जानी जान सतगुरु जी अपने पलंग तो उठे, अलमारी खोली अते माई सुधी नू बुला के बचन कीता, सुधीए वेख ये ऐनक तेरी तो नहीं। माई सुधी ने हाथ जोड़ के कहा, जी साहेब जीओ, यही मेरी ऐनक है जड़ी मैं गड्डी विच भुल आई हाँ। कुछ को रुक के उस फिर बेनती की थी, अपनी अलमारी विचों मैनू ऐनक दे के, साहेब जीओ, मेरी चिंता आप जी ने दूर कर दिती है। इस बख्शिश दे आनंद विच डूबी हुई माई सुधी दे मूहों ए तुकां सहज सुभाए ही निकल गईयां। तेरी कुदरत तू है जाने और न दूजा जाने, जिसनो कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने। तेरी कुदरत तू है जाने और न दूजा जाने, जिसनो कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने। फिर माई ने, फिर माई सुधी ने जोटियां दी तारणा ते ए शब्द पढ़ना शुरू कर दिता, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, सुमांगे ठाकुर अपने ते चतर दिशा की नो बल अपना, चतर दिशा की नो बल अपना, सिर ऊपर कर तारे ओ, सिर ऊपर कर तारे ओ, कृपा कटाक अवलोकन की नो, अवलोकन की नो, दास का दुख बिदारे ओ, दास का दुख बिदारे, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, हर जन राखे गुर गोविंद, हर जन राखे गुर गोविंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बखसंद, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते। नानक दास मुख ते जो बोले, नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे, इहा उहा सच होवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते। सारी संगत ने भी ये शब्द पढ़ के सतगुरां दी बख्शिश दा शुकराना माई सुधी नाल मिल के कीता। सारी संगत ने भी ये शब्द पढ़ के सतगुरां दी बख्शिश दा शुकराना माई सुधी नाल मिल के कीता।
साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन सिर सतगुरु साहेब सच्चे पातशाह जी, तन तन सिर सतगुरु संगता साहेब सच्चे पातशाह जी, तन तन सिर सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी, तन तन सिर सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी भाई हरिचंद छाछी दा सतगुरां ते भरोसा। भाई हरिचंद होती मरदान काला पानी नदी तो पार रहिंदा सी ते दुकान भरावां नाल सांझी करदा सी। जद श्री सतगुरु भगवान दास जी होती आवन ता उना दे दर्शन करन आउंदा सी ते कथा कीर्तन भी सुनदा सी। सतगुरां ते इसनों पक्का भरोसा सी जो अंत समय इना नहीं रखिया करके संसारिक अते पव सागर तो इसदा बेड़ा पार करना है। एक दिन परावां नाल वंड पाण दे समय इसका झगड़ा हो गया तो इसने परावां नूं आख्या जो कैमलपुर चलो, जिस तरह साहिब जी फैसला करनगे सब नूं मनना पवेगा। सब ने आख्या सानू मंजूर है। ये परा साहिबां कोल कैमलपुर गए। जद कैमलपुर पहुँचे सतगुरु जी पलंग ते विराजमान सन। जायकर चरना ते मत्था टेकिया। सतगुरु ने इना तो कुशल आनंद पूछी ता इना ने आपो अपनी गल दसी। सतगुरु सब दी वख वख गल सुनी ते सुनकर फैसला कीता। फैसला सुनकर सारे संतुष्ट हो गए ते आखन लगे तुसां सब दे हित विच फैसला कीता है, सानू मंजूर है। फिर सारियां लंगर छकिया ते रात सतगुरां कोल रहे। सवेरे गुरुद्वारे गए ते सतगुरां दे मुखार बिंद तो कथा सुनी ते फिर सतगुरां तो आग्या लैके होती वापस आ गए। कुछ समा बीतिया तां हरिचंद बीमार हो गया। जद उसका अंत समा आया तां उसने श्री सतगुरु भगवान दास जी नूं पुकारिया। उस समय हरिचंद नूं सतगुरां दे दर्शन हुए ते आखन लगा मेरे सतगुरु जी आ गए हन, ये मैनू लैण आए हन, मैं इना नाल जा रहा हाँ। इतना आख कर इसने अखां मीट लिया ते चलाना कर गया। सात संगत जी भाई हरिचंद ने भजन नहीं सी पूछिया पर सतगुरां दी संगत करन करके अते उना दे उसदा दिर विश्वास होण करके उसदा अंत सवर गया। जिस तरह सुखमनी साहिब पंद्रहवीं अष्टपदी दा अखीरली पद विच पंचम पातशाह जी फुरमाउंदे हन,
जाकै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जाकै हृदय इको होए। सच करणी सच ताकी रहत, सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्ट सचायाकार, सच वर्त साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। सो जिसने भी अपने सतगुरां नूं पार ब्रह्म दा स्वरूप जाणिया है, वह जीव उन्हां दे चरणां विच ही समा गया है। जद ये सारा नज़ारा हरिचंद दे परिवार ने वेख्या, तां उन्हां ने इस सब दा बहुत डूंगा प्रभाव पिया। हरिचंद दा दसवां करण तो बाद ये सारे साहिबां कोल कैमलपुर गए अते नाम याचना कीती। साहिबां ने इन्हां ते नाम दी बख्शिश कीती ते ये भी गुरु वाले हो गए। सो जिसने भी अपने सतगुरु नूं पार ब्रह्म दा स्वरूप जाणिया है, ओ जीव उन्हां दे चरणां विच समा गया है। जद ये सारा नज़ारा हरिचंद दे परिवार ने वेख्या, तां उन्हां ते इस सब दा बहुत डूंघा प्रभाव पिया। हरिचंद दा दसवां करण तों बाद ये सारे साहिबां कोल कैमलपुर गए अते नाम याचना कीती। साहिबां इन्हां ते नाम दी बख्शिश कीती। साहिबां ने इन्हां ते नाम दी बख्शिश कीती ते ये भी गुरु वाले हो गए। साखी पूरी हुई एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सचे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सचे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास सचिव सचे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सचे पातशाह। साखी भाई तुलसा सिंह दी पत्नी दे कष्ट निवारण दी। जद भी श्री सतगुरु भगवान दास जी तो ताली पिंड जांदे, उत्थे दे निवासी अते नाल दे पिंडां दे रहण वाले हिंदू सिख ते पठान सतगुरां तों दुआ ते दवा लैण लई आउंदे सन। श्री सतगुरु जी नितनेम करके भाई जन्मराज दी हट्टी ते बैठ जांदे ते जो कोई भी बीमार आवे सतगुरु जी जन्मराज तों उर्दू विच दवाई दा नुस्खा लिखवा कर उन्हां नूं दिंदे सन। दवाई खाण दी विधि सतगुरु जी आप ही उन्हां नूं दसदे ते आशीर्वाद भी देंदे सन। जा रब खुदा तेरे ते कृपा करेगा अते नाल ही उपदेश भी देंदे सन। मुसलमानां नूं आखदे
ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਨਮ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੁਲਸਾ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆਇਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਈ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਦਾਈ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੂੰ ਮਰਦਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੁਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗੀ ਚੱਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਨਮ ਰਾਜ ਨੂੰ 2 ਛੁਆਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਲਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, 1 ਛੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਲਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਛੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਛੁਆਰਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਗੀ ਤੁਲਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਈ ਬਾਰੀ ਮੰਜੀ ਵਿਛਾਈ ਗਈ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਲਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਚਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਇਆਲੂ ਹੋ, ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦਾਈ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਾਈ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਡਾਂਗੀ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਸੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
कष्ट नहीं हो सकता। ता उस वेले सतगुरां ने गुरबाणी दा ए शब्द पढ़िया, गौड़ी महला पंजवां सूके हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आसा, करी दया सतगुर गुण तासा, दुख नाठे सुख आए समाए, टील न परी जा गुर फुरमाए, इच्छ पुनी पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले, इच्छ पुनी पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले। सतगुरां दसिया इस शब्द द्वारा श्री सतगुरु अर्जन देव जी दस रहे हैं, जिस सेवक नू परमात्मा ने अपनी सेवा भगती दी दात दिती, पूरे सतगुरु ने उस दे सारे कष्ट कर दिते, आत्मिक जीवन देने वाली निगाह करके गुरु नाम नाम जल नाल सिंच के, आत्मिक जीवन देने वाली निगाह करके गुरु नाम जल नाल सिंच के आत्मिक जीवन दे रस्तों सुंझे हो चुके मनुखा नू गुरु एक खिन विच हरे बना देंदा है। गुणा दे खजाने सतगुरु नो इस मनुख उत्ते गुणा दे खजाने सतगुरु ने इस मनुख उत्ते मेहर कीती, उस दी हर एक किस्म दी चिंता मिट गई, उस दे मन दी हर एक आस पूरी हो गई। जदों सतगुरु जी ने जिस मनुख ते बख्शिश होण दा हुक्म कीता, ता दुखां दे नसदियां कोई टिल ना पई, ते उस दे अंदर सारे सुख आके टिक गए। जड़े मनुख पूरे गुरु नू मिले, उना दी हर एक किस्म दी इच्छा पूरी हो गई, उना नू उच्चे आत्मिक गुणा दे सोहणे फल लग गए। जद सतगुरु जी संगतां नू उपदेश दे चुके, तां सतगुरु जी संगतां समेत तो ताली पिंड नू गए। दूजे दिन सवेरे खूह ते जाके इशनान करके उत्थे ही सतगुरु जी संगतां समेत सिमरन करन बैठ गए। जद वर्तन कर चुके तां सतगुरु जी माई सुधी दे घर आए, उत्थे बाहरों आईयां होईयां संगतां बैठियां सन, कीर्तन होया, उपरंत सतगुरां ने इस शब्द की व्याख्या करके संगतां नूं उपदेश दिता। राग गौड़ी महला तीजा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी ग्वारेरी गुर मिलिए हर मेला होई, आपे मेल मिलावे सोई, मेरा प्रभ सब विद आपे जाने, हुक्मे मेले सबद पछाने, सतगुर कै पाए प्रम पो जाए, पैरा चै सच रंग समाए रहाओ, गुर मिलिए हर मन वसै सुभाए,
मेरा प्रभ पारा कीमत नहीं पाए। सबद सला है अंत ना पारावार, मेरा प्रभ बख्शे बख्शन हार। गुर मिलिए सब मत बुध होए, मन निर्मल वसे सच सोए। साच वसिए साची सब कार, उत्तम करनी सर्व विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाणे कोए। जीवे दाता देवन हार, नानक हर नाम लगे प्यार। तां सतगुरां दसिया तीजी पातशाही श्री सतगुरु अमरदास जी फुरमाउंदे हन, जद किसी ने गुरु तो ज्ञान प्राप्त कर लिता है, ओ ए राज समझ लें, ओ ए राज समझ लेंदा है, ते ओ प्रभु विच लीन हो जांदा है। सदा थिर प्रभु दे गुणा दा विचार हासिल कर लेंदा है। ओ मनुख गुरु पास खलासी हासिल करन दा दरवाजा लब लेंदा है। जे गुरु मिल पे ता मनुख अपने अंदर तृष्णा दी अग बुझा लेंदा है। गुरु दी राही ही मनुख दे मन विच शांति आवसदी है। गुरु पासों ही आत्मिक पवित्र आत्मिक सुच मिलदी है। गुरु दी राही ही गुरु दे शब्द विच जुड़ के परमात्मा नाल मिलाप होंदा है। गुरु तो बिना सारी लुकाई पटकणा विच पै के कुराहे पई रहिंदी है, ते प्रभु ते नाम तो खुंजी रहिंदी है। प्रभु दे नाम तो बिना लुकाई बहुत दुख पांदी है। जेड़ा मनु गुरु दी शरण पैंदा है, ओ परमात्मा दा नाम सिमरदा है। परमात्मा दे दर्शन विच लीन होया सदा थिर प्रभु विच टिकिया, उसनू सदा थिर रहन वाली इज्जत प्राप्त हो जांदी है। पर हे भाई, प्रभु नाम दी इस दात वास्ते प्रभु तो बिना होर किसे नू बेनती कीती जाए, होर किसे नू बेनती कीती जाए। सिर्फ परमात्मा ही ए दात देण दे समर्थ है। पर हे भाई, प्रभु नाम दी इस दात वास्ते प्रभु तो बिना होर किसे नू बेनती कीती जाए। सिर्फ परमात्मा ही ए दात देण दे समर्थ है। जिस मनुख उते ओ मेहर करदा है, गुरु दे शब्द दी राही उस दा प्रभु नाल मिलाप हो जांदा है। अंत विच तीजे गुरु नानक दी वी ए अरदास है कि प्रीतम गुरु नू मिल के भी मैं भी सदा थिर रहन वाले परमात्मा दे गुण गांदा रहा, ते सदा थिर रहन वाले परमात्मा विच लीन रहा। उस समय कुछ बंदिया ने सतगुरां दे सामने खलोकर बेनती कीती, नाम दा दान बख्शो जी। सतगुरां ने रहणियां दस के उना दे सिर ते हथ रख कन्ना विच नाम दसिया, ता उना दे कपाट खुल गए। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने उस समय खुशियां वंडियां। जिसने
जो भी मंगया उन्हों आख दिता सतगुरु संगता जी तेरी कामना पूरी कर। अंत विच पर हे पाई प्रभु नाम दी इस दात वास्ते प्रभु तो बिना होर किसे नो बेंती कीती जाए, सिर्फ परमात्मा ही ए दात देण ते समर्थ है। जिस मनुख उत्ते ओ मेहर करदा है, गुरु दे शब्द दी राही उसदा प्रभु नाल मिलाप हो जांदा है। अंत विच तीजे गुरु नानक दी भी यही अरदास है कि प्रीतम गुरु नू मिल के मैं भी सदा थिर रहन वाले परमात्मा दे गुण गांदा रहा ते सदा थिर रहन वाले परमात्मा विच लीन रहा। उस समय कुछ बंदिया ने सतगुरां दे सामने खलो कर बेनती कीती, नाम दा दान बख्शो जी। सतगुरां ने रहणिया दस के उन्हां दे सिर ते हथ रख कन्नां विच नाम दस्या तां उन्हां दे कपाट खुल गए। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने उस समय खुशियां वंडियां, जिसने जो भी मंगया उन्हों आख दिता सतगुरु संगता जी तेरी कामना पूरी कर। साखी पूरी हुई राम गली मलाटी जाना एकम का सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया जय जिते मन वजिया राग रतन परवार परिया I'm
नाम ते आए आप गए मस्कत काल नान कटे मुख उजले केति छोटे नाल तोड़े आगे अरे दास हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यारिया कौना नेक सब तेरी वडियाई कोई ना जाने को नानक सब तेरी वडियाई कोई ना जाने मेरा सतगुरु एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अरदास तुझे आगे अरदास हमारे जियो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वडियाई कोई ना न जाने मेरा आनंकार जी सिमर कह गुरु नानक ले ते आए फिरंग ते गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाए अर्जन हर गोविंद सिमरो त्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे तब दुख जाए तेग बाद सिमरिया घर नौ नित आवे ताए साफ ठाणा ताए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ ठाणा ताए धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी जा तन दा मार्ग दिया बताए धन धन सतगुरु संता साहब जी सतगुरु राम सिंह साहब जी जा नाम दिया वरताए धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया छाए धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाए धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाए अंतर जामी सतगुरियो हाजरा हजूरो जारा हजूरो सर्व कला का पूर्ण पाठा दियो इस वक्त आप बगेटे रहमत करो अमृत तो लैके हूँ तक अपने सोने दरबार च जाके सर्वस्था संगत न दर्शन दे के निहाल करो आप जी का कोटन कोटन धनवाद है आप जी के भाने अंदर चार पैर आठ सुख और कांटा पीत हुई है आप जी के भाने अंदर चार पैर दिन आया है आप जी नू पावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी अच्छी कल युग जीव हाँ खिन खिन भूलने हार हाँ रोम रोम गुणांगार हाँ ना भुलनी ना भुलावी ना विसरी ना विचारी वो काम करवाने जो आप जी नू पावन वो काम ना गवाने जो आप टोबे मुखाण अंतर जामी सतगुरियो आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है ओ मूरख कारे हिलाइया नानक हर कमे पातशाह जियो अमृत तो लैके हूँ तक आप जी दे सोने सतखंड दरबार अंदर दीवान सजे हैं सजे दीवानदर जप प्रयोग न मुख रखते हुए नितनेम वर्णी साहब जी हुए हैं तारे जहान लिया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुनू धन गया तिन मनेल न आया गुरदेशा दे पाठ हुए हैं सुखमनी साहब जी दे पाठ हुए हैं धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जीओ आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया है आनंद साहब छे पौड़िया दे पाठ हुए हैं बाणी पढ़द्या होया नाम जपद्या होया बाणी सुनद्या होया बच्चों सेवकों पासों अनेक प्रकार दिया गलतियां ते व्यक्तियां होणगियां अनजाण बच्चे समझ के माफ करना अगों तो समात बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्दम उत्साह ते प्यार बखना आई हुई सबत्ता तंग दे कार्य राज करने कदम लेके लावणे गाव्या सुनिया थाए पावणा साहिब जीओ अरदास ते बेनती है आप जी का महान प्रमाण है सतगुरु
आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम अर्थोबा चिंता लाए अमारी राहो अवर न तुझे दूजी ठायर हार परो तो द्वारे लेखा छोट अलेखा छूटे हम निर्गुण ले उबारी सत बख्शिन सदा मेहरवाना सब नांदे अधारी नानक दास सन पाके परियो राख लियो बारे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई तोई देवे नानक दास मुक्ते जो बोले इया उआ सच होवे शब्द मुख पाचा दियो जो जो माई पाई आप जी दे सुने सत खंदरबार अरदासा ते बेनतिया कर सरबत सा संगत दिया शुभ मनोकामना पूर्ण करनिया सरबत सा संगत नू नाम दान इशनान चापदार बच के आदियाँ ब्यादियाँ उपाध्य बचा के चरणा दा प्यार बखना सात संगत सेवा बखनी मन नीवा मत उची बखनी मेहर भरिया हाथ टंगना पाठ क्या जियो अंदर जामे सतगुरु जियो तान तान सतगुरु साधु राम साहब जियो आप जी की बख्शिश रहमत नानक एक जोत दो है मूर्ति शबद मिलावा होए एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी अज आप दे सोने गुरगद्दी दिवस नूं मुख रखदे अरदास से बेनती है इस पवित्र दिन नूं मुख रखदे सबद साध संगत है बख्शिश करनी रहमत करनी मेहर प्रात के सबद साध संगत नूं अपने चरणा का प्यार बखना साध संगत की सेवा बखनी अपने दरबार दी हाजरियां बख के हर प्रकार दियाँ शुभ मनोकामना पूर्ण करनिया धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी आप जी की बख्शिश रहमत कृपा हो रही है पातशाह जी जो आपने संत समागम महान जग की दात बख्शी है हूं तो भक्तों से रहमत हो रही बाकी समय भी कृपा करनी सरबत सात संगत झोली अड़ के आप तो दात मांग रही है पातशाह जी सदा वासे अपने सुन दबार की हाजरी बखनी बख्शिश करनी रहमत करनी मेहर भरिया चा के पातशाह जी सरबत सात संगत गुरसिखी जीवन चरणा का प्यार सात संग की सेवा हर प्रकार दियाँ शुभ मनोकामना पूर्ण करनिया पातशाह जी आप अमृत करे आप तो आग्ञा लैके पातशाह जी श्री पोती साहब का प्रकाश होया सी उपरंत जीवन कृत गुर इतिहास होया इस वक्त पोती साहब की सेवा होएगी सवारा साहब होएगा आग्ञा ते प्रवानगी बखनी अते अपने निष्ठान से जाने की कृपालता करनी परिवार को अते सर्वत सातन को हर प्रकार दिया सदा वास्ते खुशियां दी दात बखनी आप जी दे भरक जान चो कड़ा प्यार देगा हजर है आप जी रत्नी लायक होवे आप जी दा जीत प्रचार सबत सातन अते वरते सही सज्जन मिलने जिन्ना मिलिया आप जी दा सोना पवित्र नाम के तावे श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला बोले साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे ओट गई जी संत दरियाया शरब दुख नानक ते पाए ओट गई जी साहबान दरियाया शरब दुख सत गुरु संग तारे आ जान ले अभिमान
जेनी दर्शन पाया जेनी टोडनो तन किया तेन जम नेड़े नाया तारे जान लिया अभिमान जेनी दर्शन पाया जेनी टोडनो तन किया तेन जम नेड़े नाया तारे जान लिया अभिमान जेनी दर्शन पाया जेनी तोडनु तन किया तेन जम नेड़े ना तारे जान लिया अभिमान जेनी दर्शन पाया जेनी तोडनु तन किया तेन जम नेड़े ना तारे जान लिया अभिमान जेनी दर्शन पाया जेनी टोडनु तन किया तेन जम जेनी टोडनु तन किया तेन जम नेड़े ना तुमरी चरण तुम्हारी आता तुम्हें सजन सोहेले राखो राखन आरतियाला नानक करके गोले टेंडी बंद के मैं कोई न देखा तू नानक मन पाला कोल कमाई ते मित्र विचोले जै मिल कंठ पछाणा कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना बिचारो कोए माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गट ए माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गट ए राग बिलावल महला पंजवा दुपड़े कार अठ एक ओंकार सठ गुर पर साद मैं नहीं प्रभ सब किछ तेरा इंग निर्गुण ऊंगे तरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा मैं नहीं प्रभ सब किच तेरा इंग निर्गुण ऊंगे तरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा राहो नगर मैं आप बार पुने आपन प्रभ मेरे को सगल बचेरा आपे ही राजन आपे ही राहया कह कह ठाकर कह कह चेहरा का को डोराओ का चो बल भंजा जय जय पेखो तै तै नेरा साध मूरत गुर पेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा का को डराओ का चो बल भंजा जय जय पेखो तै तै नेरा साध मूरत गुर पेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अन हे हेरा बोले सोनेहा बालक सिंह साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु संगता साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु नारायण दास साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु सात
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਨਮਸਕਾਰ।